Welcome back, students. We were discussing chapter number 3, Deal with Discourtesy. This is part 2 for the same chapter where we will be doing reading and explanation of the chapter. So, dear students, take out your value education textbook, page number 11, chapter number 3, Deal with Discourtesy. यहां पर हम आज रीडिंग भी करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे स्वामी दयानंद वॉज अ ग्रेट सेज एक स्वामी दयानंद करके थे और वो बहुत बड़े साधु महात्मा टाइप के इंसान थे वन डे आफ्टर टॉकिंग अ होली डे इन गंगा ही वॉज गोइंग अप स्टेयर्स क्या किया कि एक बार देखो रोज की तरह वो गंगा में से नहाने जाते थे ठीक है और अपना ये जो कुछ भी मंत्र वगैरह सब बोल के आ, वो वापस चढ़ के अपने मठ की तरफ जा रहे थे या मंदिर की तरफ या आश्रम जहां पर भी वो रहते थे वहां जा रहे थे अ मैन केम फ्रॉम द अपोजिट डिरेक्शन सामने से एक इंसान आया ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ स्वामी जीज ग्रेटनेस अभी वो जो इंसान था उसको तो पता नहीं है कि ये जो स्वामी जी है वो कितने महान इंसान है ही बिगेन टू कॉल बाय हिज नेम एंडूज हिम ऑफ बींग अभी ये इंसान तो जानता नहीं था कि स्वामी दयानंद किस प्रकार के इंसान है तो ये इंसान स्वामी दयानंद को बहुत मतलब कि बहुत विचित्र तरीके से बात करने लगा उनको उनके साथ तू तड़ाक से बात करने लगा नाम लेकर बुलाने लगा ठीक है स्वामी जी इग्नोर्ड हिज वर्ड्स एंड वेंट अपस्टेयर्स विथ स्माइल अभी इस इंसान ने तो ये तक कहा कि स्वामी जी तो किसी भी काम के नहीं है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है वो हो नहीं हो इट्स वन इन द सेम थिंग बट ये जो स्वामी जी है ही इग्नोर्ड द हार्श वर्ड स्पोकन बाय दिस पर्सन एंड अ ग्रेट स्माइल ही वेंट अपस्टेयर्स फॉर डूइंग द रिमेनिंग पूजा या फिर जो भी और कुछ काम करना था वो स्वामी जी इग्नोर इज वर्ड्स एंड वेंट अपन दीन टाइम अनदर पर्सन अराइवड देयर देखो एक और इंसान आया बीच में ही सीट टू स्वामी जी दिस मैन हैज हैज बिन अब्यूजिंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम वाई डू यू टॉलरेट दिस अभी ये जो इंसान है वो तो जानता था स्वामी जी कितने महान हैं तो उसे देख के ये आश्चर्य हुआ एंड सो ही स्टार्टेड आजकिंग स्वामी जी That what is the reason why do you even listen to his words aapne dekha nahi आपने देखा नहीं kitna rude कि है आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप इसकी जलीकटी बातें सुन रहे थे यू आर सो strong एंड healthy दैट your वन स्लैप इज इनफ टू नॉक him डाउन

वट विल बी द रिजल्ट स्वामी जी ने उस इंसान को की, बताया कि मेरे प्रिय मित्र सपोजिंग समबडी ऑफर यू समथिंग एंड यू डोंट एक्सेप्ट मतलब कि अगर कोई इंसान आपको कुछ ऑफर करता है कोई भी चीज आपको देता है और वो चीज आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो रिसीव ही नहीं करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा देन दैट थिंग विल रिमेन विद द गिवर ही रिप्लाइड वो जो सामने वाला इंसान था तो उसने ये बोला कि हाँ ये तो सही है कि अगर मैं सामने वाले की कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो वो जो चीज है वो सामने वाले के पास ही रह जाएगी से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेंसिल विच आई वॉन्ट टू गिव टू समन बट इफ दैट पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग का मालिक कौन होगा किसके पास जाएगी ये? Once again, ये पेंसिल मेरे पास ही आ जाएगी ठीक है तो यही चीज तो स्वामी जी ने उस इंसान को समझाया स्वामी जी सेड यू आर राइट दिस मैन शॉ शॉवर्ड अब्यूज इज ऑन मी तुमने सही की बोला कि वो जो दूसरा इंसान था उसने मेरे बारे में बहुत खराब बातें बोली उसकी बौछार की बट आई रिफ्यूज टू चीजों की जरूरत नहीं थी उसने मुझे जो भी गालियां दी जो भी हार्श वर्ड्स दिए आई वॉज नॉट इन नीड ऑफ दोज वर्ड्स ठीक है हैथ हिम डेंट दे और इसका तो यही मतलब हुआ कि उसके ये जो गंदे विचारों वाले जो शब्द थे वो उसी इंसान के पास ही रह गए कि नहीं अच्छा जब ये बात दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन जब उस इंसान ने सुनी तो उसके मन में एक अलग ही भाव पैदा हुआ वो तो स्वामी जी के पैर ही पकड़ने लग गया फेल एट स्वामी जीज फीट एंड यू आर अ ट्रू सेंट आप वाकई में एक महान साधु हैं प्लीज फॉर गिव मी माई लॉर्ड अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई फूलिश एक्शन मैंने जो बेवकूफी वाला काम किया है आपके बारे में इतना गलत कुछ बोल के आपके साथ एकदम इंडीसेंट बिहेवियर करके उसके लिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए मीन्स यू डोंट अब्यूज एनीबडी इसका तो ये मतलब हुआ कि आपको किसी के बारे में भी खराब नहीं बोलना चाहिए इफ समबडी अब्यूजेज यू इग्नोर हिम और अगर कोई इंसान आपके बारे में खराब बरा भला बुरा बोल भी रहा है ओनली थिंग इज यू नीड टू इग्नोर दोज वर्ड्स एंड इग्नोर दैट पर्सन एज वेल हिज फोल वर्ड्स विल नेचुरली स्टे विथ हिम आपके बारे में खराब बोलने वाले के जो शब्द हैं वो उसी के पास रह जाएंगे एंड डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स एट द सेम टाइम आपको भी किसी के बारे में खराब नहीं बोलना चाहिए डोंट फ्लैटर एनी बडी आपको किसी के किसी के किसी को भी ऐसे बोलते ना चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए झूठी तारीफें भी नहीं करनी चाहिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सच है वो बोलो बट लेट योर ट्रूथ नॉट हर्ट और हार्म एनी बडी सच्चाई कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है बट जब भी आप मुंह खोलो सच्चाई ही बोलो बट ऐसे भी शब्द मत बोलो कि आपका ये सच सुन के किसी को भारी नुकसान पहुंचे किसी का दिल टूट जाए ऐसा भी ट्रूथ किसी काम का नहीं एज फार एज पॉसिबल एंड बी ब्रेव जहां तक हो सके सच बोलो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू बी ब्रेव स्वामी जी रिप्लाईड टू हिम वो जो ये जो इंसान जो पैर पड़ा ना उसको स्वामी जी ने रिप्लाई किया इफ वी पे एन इल मैनर्ड पर्सन इन द सेम कॉइन इट एंड्स अप इन अ ब्रॉल एंड वॉयेंस अगर हमारे बारे में स्वामी जी ने बोला कि अगर हमारे बारे में अगर कुछ भरा भला बुरा बोल रहा है और अगर हम भी उसके साथ सामने ऐसे ही बिहेव करेंगे रूड बिहेव करेंगे तो क्या हो सकता है बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है सो बियर इट इन माइंड एंड डो नॉट और हिट बैक अदर्स ध्यान रखो, ये बात दिमाग में गांठ बांध लो कि अगर कोई भी इंसान आपको चिल्ला चिल्ला के आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है तो यू शुड नॉट अब्यूज आपको फिर उससे भी चार गुनी ज्यादा आवाज करके उसके सामने झगड़ा नहीं करना है एंड दिस इज हाउ यू कैन हैव पीस ऑफ माइंड एंड यू कैन डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे इफ यू आर काइंड टू इफ यू आर नॉट बिहेविंग इन अ रूड मैनर स्लोली एंड स्लोली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दुनिया आपके बारे में चाहे जितना भी भला बुरा बोले आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल विल बी ऑलवेज देयर सो यू नीड टू बी पोलाइट यू नीड टू बी काइंड इन ऑर्डर टू डेवलप योर बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी अच्छी स्टोरी थी है ना मज़ा आया